मई से अक्टूबर तक उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की धूम रहती है। अक्टूबर नवंबर में जब चारधाम यात्रा संपन्न होती है तो राज्य के पर्वतीय इलाकों में सन्नाटा पसर जाता है। उत्तराखंड सरकार अब इस सन्नाटे को तोड़ना चाहती है। इसके लिए धामी सरकार पौराणिक मंदिरों को शीतकालीन पर्यटन के लिए विकसित करने जा रही है। देखिए, शीतकालीन जो यात्रा है उसकी यहाँ पर पर्याप्त संभावनाएं हैं और इसके लिए प्रदेश सरकार भी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी निरंतर प्रयत्नशील है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे केदारनाथ जी की जो गद्दी स्थल है जहाँ पर शीतकाल में पूजा होती है, ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए मंदिर समिति प्रयत्नशील है और हमारे द्वारा उसके जो वहाँ पर जो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का कोठा भवन था उसके जीर्णोद्धार के लिए और पूरे परिसर के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना हमारे द्वारा तैयार की गई है और उसके फर्स्ट फेज की और सेकंड फेज की डीपीआर लगभग तैयार हो चुकी है। फर्स्ट फेज का जो डीपीआर है वो 7 करोड़ की है और सेकंड फेज में हम उसके 12 करोड़ का है और उसके बाद थर्ड फेज में हम वहाँ पर मंदिर परिसर के बाहर जो पार्किंग और अन्य सुविधाएं हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। और इस संदर्भ में हमारे कुछ दानी दाताओं से भी बातचीत चल रही है, उनके द्वारा भी इस प्रोजेक्ट में अपनी सहमति जताई गई है आर्थिक सहयोग के लिए और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जनवरी माह तक हम इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से जो जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर वहाँ पर मंदिर परिसर तो भव्य बन चुका है लेकिन वहाँ पर थोड़ा पार्किंग की असुविधा है तो इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरी शासन स्तर पे भी बातचीत हुई है और वहाँ पर पार्किंग निर्माण के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इसके अलावा जैसे त्रिजुगी नारायण मंदिर है, त्रिजुगी नारायण मंदिर का भी बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान भी है, देश विदेश से लोग वहाँ पर विवाह इत्यादि करने भी आते हैं लेकिन अभी तक वर्तमान में मंदिर की जो मंदिर परिसर है काफ़ी कंजेस्टेड है और जो मंदिर की छत है, झालर है, वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। इसके अलावा जो वहाँ पर शिव पार्वती विवाह स्थल है उसकी छत भी थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो रही है तो इस मामले में मेरी भारत सरकार के पर्यटन मंत्री जी से भी बातचीत हुई थी, उनके द्वारा सलाह दी गई थी कि आप ये इसके लिए प्रस्ताव एक प्रदेश सरकार के माध्यम से हम तक भेजें तो हमने इसको प्रस्ताव भिजवाया है। दरअसल उत्तराखंड के अनेक मठ मंदिर अभी भी आम पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अछूते हैं। सरकार इन्हीं पर्यटन स्थलों को विकसित कर अक्टूबर से मार्च तक पर्यटकों को आकर्षित करना चाहती है। फिलहाल सरकार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर, जहां शीतकाल में भगवान केदारनाथ की डोली विराजमान रहती है, इसे विकसित करने जा रही है। इसके साथ ही जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में पार्किंग बनाने का भी प्लान है। वेडिंग डेस्टिनेशन त्रिजुगी नारायण मंदिर के लिए केंद्र ने जो प्रस्ताव मांगा था वो उत्तराखंड सरकार ने भेज दिया है। फिलहाल सरकार की योजना अच्छी दिखाई दे रही है। अगर ये धरातल पर उतरती है तो अक्टूबर से अप्रैल तक भी उत्तराखंड की वादियां श्रद्धालुओं और पर्यटकों से गुलजार रहेंगी, साथ ही यहां के व्यापारियों को रोजगार भी मिलेगा। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवाण की रिपोर्ट।